दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अच्छे स्मार्ट गांवों के रूप में जाना जाता है। इस गांव का नाम है उड़नथुरई जो कि तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में है। तो क्या है इस स्मार्ट विलेज की स्मार्ट फैसिलिटी, चलिए जानते हैं। भारत में 100% शौचालय की सुविधा वाला पहला गाँव है यह। 100% टैक्स देने वाला गाँव है। भारत का एकमात्र ऐसा गाँव जिसका स्वयं का पवन चक्की प्लांट लगा हुआ है। यहाँ हर घर पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। यहाँ की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे नहीं है बल्कि साफ सुथरी और पक्की सड़कें हैं। कचरा प्रबंधन की भी काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा गांव है जो खुद के लिए तो बिजली उत्पन्न करता है, इसके अलावा गवर्नमेंट को भी बिजली बेचता है जिस कारण इसे सालाना 20 लाख रुपए की आय होती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह गाँव सदियों से ऐसा है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इस गाँव के 20 साल पहले की तस्वीर दिखाता हूँ और ये अब की तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए, दोनों में इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, इसके पीछे हाथ है इन जनाब का। जी हाँ, इनका नाम है आर शनमुगम। 1996 में शनमुगम उड़नथुरई गांव के प्रमुख बने। उस समय गांव में केवल एक बोरवेल था और उसका भी बिल बहुत ज्यादा आता था। एक साल में शनमुगम ने कुएं बनवाए और रोड लाइटें लगवाई जिससे यहाँ का बिल और ज्यादा बढ़ गया। खेती मजदूरी करने वालों के लिए यह बिल बहुत ज्यादा था। आज शनमुगम को किसी ने बायोगैस प्लांट लगवाने का सुझाव दिया। इसके बाद शनमुगम ने गुजरात के बड़ोदरा से बायोगैस प्लांट की ट्रेनिंग ली और 2003 में उड़नथुरई में पहला बायोगैस प्लांट लगवाया जिससे बिजली का बिल आधा हो गया। लेकिन शनमुगम यहाँ कहाँ रुकने वाले थे, बिजली को बिल्कुल फ्री करने के लिए उन्होंने पवन चक्की लगाने की सोची जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी जबकि पंचायत का फंड 40 लाख रुपए ही था। इसके लिए उन्होंने पंचायत के नाम पर बैंक से लोन लिया। 2017 में इन्होंने पूरा कर्ज बैंक को लौटा दिया। अब यह गांव तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बिजली बेच रहा है जिससे हर साल 20 लाख रुपए की आय हो रही है। आर शनमुगम को कई नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जापान, फ्रांस जैसे 43 देश उड़नथुरई गांव का दौरा कर चुके हैं। दोस्तों अब टाइम आ गया है वीडियो को समाप्त करने का। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।